Hello friend, this is Sangam Bipoli and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video, I'm going to talk about Aristogyne Syrup. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा या सिरप आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और सिरप, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा हो, सिरप हो, इंजेक्शन हो, उसे लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोजेम सिरप। फ्रेंड्स, एरिस्टोजेम सिरप बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिरप है जिसका इस्तेमाल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो आप पूछोगे सर, वर्ड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, तो चलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, डाइजेस्टिव कहने का मतलब होता है पाचन, मतलब जिसको पचाने की क्षमता हो। ठीक है, और डिसऑर्डर कहने का मतलब गड़बड़ी आ जाना। जब पाचन क्रिया में गड़बड़ी आती है तो उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब सिंपली समझो कि जब कोई आप भोजन लेते हो, वो सही से नहीं पचता, तो उसको ठीक करने के लिए, पचाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट, कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, अगर आप सिरप के ब्रांड नेम पे ध्यान देंगे एरिस्टोजेम, तो उसी में इसका मैन्युफैक्चरर का नाम छुपा हुआ है जो कंपनी मैन्युफैक्चर इसे करती है। एरिस्टोजेम मतलब अरिस्टो, इसका मतलब अरिस्टो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो सिंपली आप समझो कि इस मेडिसिन को, इस सिरप को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब क्लियर आपको समझ में आएगा, यह जो सिरप है इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके एक बॉटल 200 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में आपको 90 से लेकर 100 रुपये के आसपास में मिल जाती है। अप्रॉक्स वही 97 के आसपास में होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस सिरप, ये जो सिरप होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक होता है डाइस्टेज और दूसरा होता है पेप्सिन। ये दोनों मिलकर भोजन को पचाने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन का। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। फ्रेंड्स, मोड ऑफ एक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को एनाटॉमी का भी जानकारी होना जरूरी है। थोड़ा उस बारे में बात करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, हमारा जो स्टमक होता है उसे निचले हिस्से में ड्यूओडेनम जिसको बोलते हैं, उसी के पास पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज से कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में काम करते हैं, जैसे आपने पेप्सिन सुना होगा। जब ये पैनक्रियाज प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, तब सिंथेटिक तौर पे आपको एरिस्टोजेम के रूप में दिया जाता है ये, ताकि भोजन को आपको पचा सके। अब चलिए बात करते हैं ये कैसे काम करता है, इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डाइस्टेज है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर उसको कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का काम करता है। उसको ब्रेक डाउन करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है ताकि आसानी से पच सके। उसके बाद कहते हैं ये जो पेप्सिन है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू स्मॉलर पार्ट्स जिसको पेप्टाइड्स बोलते हैं, पेप्टाइड्स में इसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल कंडर, जिससे आसानी से बच सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, पहला इसका इस्तेमाल है इनडाइजेशन। अगर किसी प्रकार का इनडाइजेशन, मतलब खाना खा रहा पच नहीं रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं गैस्ट्राइटिस, ज़्यादा गैस बन रहा हो, ठीक है, गैस ज़्यादा बन रहा हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप खाना खाए, ठीक है, और पचा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं क्लियर जी आई मतलब यहाँ से गैस्ट्रो फेगल जो ट्रैक होता है, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि आपने कोई यहाँ से जीआई ट्रैक जब क्लियर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं हुआ, इस बात को याद रखिएगा, जीआई ट्रैक जिसको बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं टू ट्रीट एनोरेक्सिया, कि अगर भूख नहीं लग रही है तो ये सिरप देने के बाद भूख भी लगती है, इंसान को दोबारा चार बार खाना शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है जब डाइजेस्ट होगा तो खाना शुरू करेगा ही। उसके बाद हार्ट बर्न, कि अगर आपको सीने में जलन हो रहा है, वो गैस के कारण होता है, ड्यू टू गैस्ट्राइटिस होता है, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी बॉडी वेट गेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि अगर आप कोई खाना खाएंगे, ठीक है, भोजन लेंगे, अगर सही से पचेगा तभी तो वेट गेन होगा ना, तो जब वेट गेन करना होता है तो वहाँ पर भी डॉक्टर द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे उससे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स बिना कंट्राइंडिकेशन जाने किसी भी मेडिसिन को आप कभी भी एडमिनिस्टर न कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका कंट्राइंडिकेशन कुछ इस प्रकार है, प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर बिना गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह से आपको नहीं देना है। उसके बाद कहते हैं पेप्टिक अल्सर, अगर कोई व्यक्ति पेप्टिक अल्सर से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है। उसके बाद कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस, अगर किसी व्यक्ति को पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। उसके बाद कहते हैं अल्कोहलिक, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक हो तो उसे भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में आया, किसको किसको नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देना है, अल्कोहलिक व्यक्ति को नहीं देना है, फिर पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को नहीं देना है, पैनक्रियाज में जलन हो रहा है, उस पेप्टिक अल्सर जिसको होगा उसे को भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स इसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स है, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स है, जिस तरह से हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होता है। तो फ्रेंड्स इसके साइड इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार है, पेन अब्डोमिन कि आपको पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है पेट में दर्द हो सकता है। उसके बाद स्टोमक अपसेट, आपका पेट है वो गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, आप कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार हो सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद डायरिया भी आपको हो सकता है, स्टूल पानी की तरह हो जाना, दैट इज कॉल्ड डायरिया, ठीक है। इस पर कभी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद कहते हैं डायरिया के बाद कहते हैं थ्रोट डैमेज, आपका ये थ्रोट है जो गला है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद ब्लिस्टर ऑन स्किन, ये स्किन जो आप देख रहे हैं सब पे हो सकता है, छाले उले पर भी पड़ सकते हैं। तो इस तरह का ये साइड इफेक्ट्स, अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स है आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसके जो दूसरे ब्रांड को कैरी कर सके। अगर एलर्जिक भी हो तो वो भी हो सकता है कि आप इससे एलर्जिक हो तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स आपको अच्छे से समझ में। आप चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में, इसका डोज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको 10 ml इंटू बीडी, 10 ml मतलब 2 चम्मच 2 TSP × 2 कि 2 चम्मच सुबह शाम इसको देना है, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद या 10 मिनट या 15 मिनट बाद देना है, ठीक है। इस या पहले भी आप दे सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये खाना खाने के बाद ताकि वो पचा सके। यानी खाना अभी खा लिया एक घंटे दो घंटे बाद देंगे ऐसा नहीं, 10-15 मिनट के अंतराल में ही आपको देना है, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि एस्ट्रोजेम सिरप क्या होते हैं, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है। साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेकअप फ्रेंड्स एंड प्रमोट फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।